स्टेज में वेलकम करूंगा, प्लीज हेल्प मी वेलकम मिस्टर सुरजीत अधिकारी। जोरदार चलो सभी को मैं स्टेज में वेलकम करना चाहूंगा, मिस्टर सुमन बोस, सुदीप कौर, विभोर दास, संजीव राय, राधेश्याम सिंह, विभोर दास, राइट, सभी को नवरुण मजुमदार, जोरदार तालियों से सभी सीनियर लीडर का वेलकम मैं करूंगा। राइट, जो जो सीनियर लीडर एक्टिवली काम कर रहे हैं, चंदन चक्रवर्ती, जोरदार तालियों से राजू सोइकिया, विकास दास, सभी सीनियर लीडर का वेलकम मैं करूंगा स्टेज में, जोरदार। धन्यवाद आप सभी लोगों का जो इतना प्यार मोहब्बत स्टेज में बांटने के लिए, ये सम्मान देने के लिए। जब भी स्टेज में आता हो तो इतना प्यार मिलता है तो शादी वाला दिन याद आ जाता है। ये सच में ये शादी तो लोगों का एक बार होता है, लेकिन मांडवल में हम लोगों का बार बार होता है। देखिए कितने सारे बरवाला पहनाया गया, एक नहीं 10-20 बरवाला पहनाया गया, ये सर में जिसका ऐसे बन जाते हैं भाई, किसी नाम की जरूरत नहीं पड़ता। पिछले 15 सालों से जो रिश्ता एसोसिएट के साथ बन चुका है, मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए किसी खून के रिश्ते को सामने लाने की जरूरत है। ये रिश्ता इतना मजबूत बन चुका है, वो खून के रिश्ते से भी आगे बढ़ चुका है। इस एसोसिएशन के लिए, जबरदस्त माहौल के लिए जबरदस्त ताली होना चाहिए। मैं तो फिर से बताता हूँ, दिल खोल पर मैं बता रहा हूँ आपको, क्या एक खून के रिश्ते में जितना प्यार मोहब्बत नहीं रहता है, जितना अपनापन नहीं रहता है। मांड वैल्यू के इस प्लेटफॉर्म में, इस एसोसिएशन में जब भी हम आते हैं, अभिजीत चंदा, विभोर, सुमन, सुदीप, जब इन लोगों को देखते हैं, राजस्थान में सारे सीनियर लीडर इनके साथ जो रिश्ता जो बन चुका है, वो खून के रिश्ते से भी बहुत आगे है। और ये सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म में मिलना पॉसिबल है। किसी ने बहुत खूब कहा था कि इन फ्यूचर में अगर कोई इंडस्ट्री सबसे बड़ा इंडस्ट्री बनने जा रहा है, वो है रिलेशनशिप मेकिंग इंडस्ट्री। संस्कृत में एक श्लोक है, श्लोक है कली युगे संघे नास्ती, यानी इसका मतलब होता है कि कली युग में जो लोग संघ करता है, संघ बोलते तो एक ग्रुप बनाते हैं, इंसानों को लेकर चलता है, जिनके साथ लोग है वही कली युग में रह पाएगा, और जिनके पास लोग नहीं है वो कली युग में रह नहीं पाएगा। अगर आप
इंसानों के साथ काम कर रहे हो, सक्सेसफुली इंसानों के साथ मिल चुके हो, आपके साथ लोग है, रिलेशनशिप है आपके साथ हजारों लोगों का, तो इस कलयुग में जिंदा रहने का और सफल रहने का यही एकमात्र आप बोल सकते हो सीक्रेट ऑफ सक्सेस। ये सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। किसी ने बहुत अच्छे तकरीबन 8-10 साल पहले एक स्टूडेंट ने, एक एसोसिएट ने मेरे पास आया, मैं और पार्थो का बैठा था, तो बहुत ब्रेनी स्टूडेंट है, बहुत टॉप क्लास स्टूडेंट है, तो एक दिन आकर हम लोग जिस होटल में बैठे थे ऐसे ही मुलाकात करने के लिए आया और आके बोल रहा था कि सर जानते हो, पार्थो दादा ऐसे बोल रहा था, सर जानते हो कि सफल इंसान कौन कौन है, एक सफल इंसान की जिंदगी में क्या क्या होना चाहिए। तो हमने पूछा क्या क्या होना चाहिए, बोले देखिए जितने सारे सफल इंसान देख लीजिए, इन सारे सफल इंसान की एक कॉमन फैक्टर है। बोले कौन सी कॉमन चीज़ है, बोले एक कॉमन चीज़ है कि ये लोग बहुत सारी जगह में घूमता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल, बोले आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, नरेंद्र मोदी का एग्जाम्पल ले लो, पूरे देश भर में नहीं पूरे विदेश में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, ये सर नो। इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे लोगों के साथ जाते थे, नहीं जाते थे, 100% घूमते रहते, हाँ या ना? Yes. मार्क जुकरबर्ग जो फेसबुक का मालिक है, ऑल ओवर वर्ल्ड में घूमता है, नहीं घूमता है? स्टीव जॉब्स पूरे दुनिया भर में घूमता रहता था या घूमता नहीं रहता था? पूरे दुनिया भर में घूमता रहता। माइक्रोसॉफ्ट का ओनर बिल गेट, कभी ये कंट्री कभी दूसरा कंट्री कभी तीसरा कभी चौथा, यस और नो? हर महीने में 10-10 कंट्री लोग घूमते रहते हैं। एक कॉमन चीज है वो है घूमना, हजारों जगह में ट्रैवल करना। एक सफल इंसान के एक क्वालिटी रहता है वो हजारों जगह में ट्रैवल करता है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है, मैंने पूछा दूसरा चीज क्या है बताओ, बोले जो लोगों के साथ रहते हैं लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोगों के बीच में नहीं है वो सफल नहीं है। एग्जाम्पल बोले आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे वो फेसबुक का मालिक का नाम लीजिए, या तो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर का नाम ले लीजिए, या तो किसी पॉलिटिशियन का नाम ले लीजिए, या तो किसी एक्टर या एक्ट्रेस का, किसी सफल इंसान का नाम ले लीजिए, लोगों के बीच रहता है और वो लोग टॉप क्लास सक्सेस को हासिल करते हैं, लोगों के बीच रहना। मैंने बोला सही बात है, 100% लोगों के बीच रहना और उसके साथ साथ हजारों जगह में ट्रेवल करना, ये मेन दो क्वालिटी है। और तीसरा मैंने पूछा तीसरा कौन सी क्वालिटी है, बोले तीसरा एक क्वालिटी है जो एक इंसान को इमोर्टल बना देते हैं, सिर्फ सफल नहीं सफल से भी बढ़कर इतिहास बना देते वो लोग। बोले कौन लोग हैं, जो लोगों के ऊपर लोगों के लिए कुछ काम करते हैं, लोगों के साथ रह के लोगों के साथ मिल के लोगों के बीच रह के लोगों के लिए कुछ काम करते हैं, साथ में एक टीम बनाते हैं और पूरे दुनिया भर घूमता रहता है। ये तीन वो क्वालिटी है। पहला क्वालिटी, ऐसा काम जो मैं लोगों के साथ करूँ लोगों के लिए करूँ। दूसरा क्वालिटी, ऐसा काम जो लोगों के बीच ही होता है, लोगों के साथ होता है, कंधे के कंधा मिलाकर होता है, ऐसा काम जहाँ पे आपको बहुत कई सारी जगह घूमना पड़े। ये तीन पैरामीटर है एक सफल इंसान की जिंदगी में। और जब हम देखें इस प्लेटफॉर्म के बारे में, स्मार्ट वैल्यू के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, ये तीनों के तीनों चीज भरपूर है ये तीनों के तीनों चीज। जब हम बिजनेस करते हैं, हम लोगों के पास हेल्थ का मैसेज लेके जाते हैं या तो एजुकेशन का फिलोसफी लेके जाते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं, सामने वाले बंदे को बीमारी मुक्त जिंदगी, डिजीज फ्री लाइफ के बारे में बताते हैं, यस और नो? उनको उन सारे डिजीज से, सारे बीमारी से छुटकारा पाने का रास्ता दिखाते हैं हम। तो काम कौन सा कम कर रहे, लोगों के लिए कुछ करें, यस और नो? क्या ये काम हम घर में बैठ के करते हैं या लोगों के बीच जाके करते हैं? यानी हमको सर्वे करना पड़ता है, घर घर में पहुंचना पड़ता है, कैंप करना पड़ता है, लोगों के बीच जाकर लोगों के साथ रह के काम करना पड़ता है, यस और नो? आप ये दोनों काम कर रहे हो लेकिन घर में बैठ के कर रहे हो, आप तिनसुके से बाहर नहीं जा रहे हो, आप सोदिया से बाहर नहीं जा रहे हो, आप मुरियानी के अंदर छुपे हुए बैठे हो, छुपे रुस्तम की तरह बाहर नहीं जा रहे हो। हालांकि दो चीज है आपके साथ, आप लोगों के बीच में हो और लोगों की भलाई के लिए कर रहे हो, लेकिन तीसरा फैक्टर भी जरूरी है, आपको भागना पड़ेगा, आपको ऑल ओवर आसाम में जाना पड़ेगा और ओवर नॉर्थ ईस्ट में पहुंचना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह पे एक दायरे पे नहीं, तब आप बहुत बड़ा सफल इंसान कहलाओगे। द सेम वे हम, जब हमने देखा इस प्लेटफॉर्म के बारे में, आज हम लोगों को घूमना पड़ता है, आज हम लोगों को जाना पड़ता है, कभी हम लोगों को जाना पड़ता है गुजरात में, ये 4-5 दिन का अगर शेड्यूल देखेंगे तो मेरा पहला जर्नी था वो था साउथ इंडिया। पहले मैंने जर्नी किया 4 तारीख को साउथ इंडिया पहुंचा, 5 तारीख को महाराष्ट्र पहुंचा, 6 तारीख को 4 तारीख महाराष्ट्र, 4 तारीख महाराष्ट्र का एक कोने, महाराष्ट्र बोले तो सिर्फ छोटा जगह नहीं बहुत बड़ा जगह होता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का एक जगह से दूसरे जगह पहुंचने के लिए आपको 24 आवर्स का टाइम चाहिए। तो महाराष्ट्र का एक कोने में पहुंचा, उसके बाद सेकेंड जगह में पहुंचा मुंबई में, उसके बाद पहुंचा नासिक में, फिर नासिक में बात करके सीधा आया गुवाहाटी में, फिर गुवाहाटी से आया तिनसुकिया में, आज तिनसुकिया में हूँ, कल जाकर फिर कलकत्ता में पहुंचूंगा, उसके बाद फिर जबलपुर 17 तारीख को निकलूंगा, फिर जबलपुर। ये जो लाइफ स्टाइल है,
ये जो हम लोग इतने सारे जगह घूम फिर रहा है, ये भी एक सफल इंसान के एक बहुत बड़ा क्वालिटी होता है, एक पैरामीटर रहता है कि वो किसी के अंदर, किसी भी एक दायरे के अंदर छुपे हुए नहीं है, किसी एक लक्ष्मण रेखा के अंदर बंधे हुए नहीं है, वो लक्ष्मण रेखा को तोड़ कर आगे निकलते चले जा रहे हैं। ये क्वालिटी होना चाहिए सबके अंदर। और मैं ये वादा दावा करता हूँ यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे बैठ के जो लोग भी बैठे हुए हैं, जो भी अच्छे से बैठे हुए हैं, हर एक के पास दो क्वालिटी ऑलरेडी है। फर्स्ट, लोगों के बीच रहना। नंबर टू, ऐसा कोई काम जो लोगों के साथ किया जा सके। ये सर नो तीसरा जो चीज चाहिए हर एक के पास, कि हमको मार्केट में पहुंचना है, एक जगह नहीं हजारों जगह में पहुंचना है। तो जितने सारे सफल इंसान को आप स्टेज में देखोगे आज ट्रेनिंग के बाद, वो सफल इंसान आप सभी लोग बन पाओगे। तो एक बी घर होना चाहिए इस प्लेटफॉर्म के लिए, जो प्लेटफॉर्म हमें ये तीनों के तीनों चीज देते हैं। बी घर जब हम पीछे मोड़ के अपना शेड्यूल देखते हैं, जब पीछे मोड़ के हम उसके शेड्यूल देखते हैं, तो वो शेड्यूल मतलब चौंक जाते कि नॉर्मल इंसान के लिए कैसे पॉसिबल है। एक एक महीने का शेड्यूल हम लोगों को क्या क्या बनता था कि सुबह का नाश्ता अगर बंगाल में कर रहा हो तो दोपहर, सुबह का नाश्ता बंगाल में हो रहा है तो दोपहर का लंच आसाम में हो रहा है, ऐसा शेड्यूल बना के हम लोग काम करते थे, आज भी करते हैं हजारों लोग, राइट। तो डेफिनेटली वो चीज़ आपकी जिंदगी में भी आएगा, आपके लाइफ में भी आएगा। लेकिन कैसे हुआ ये जर्नी, आइए उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि ये प्लेटफॉर्म में क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या दिया ये प्लेटफॉर्म। आज मैं बहुत मोटिवेटेड इसलिए हूँ बिकॉज आज सुबह सुबह इतना बढ़िया एक आश्चर्य बोल सकते हैं, ऑसम फीलिंग्स, एक पॉजिटिव फीलिंग तैयार हुआ। आज सुबह तिनसुकिया में आते हैं, एक तो तिनसुकिया या तो आसाम वैसे ही एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है, पॉजिटिव जगह है। इंडिया के है बहुत सारे पुणा, बहुत सारे जगह है, लेकिन हर जगह पे दिल्ली चाहते कि मैं उसका भी जाऊँ, लेकिन कुछ कुछ जगह है जिसके बारे में मैं ना नहीं बोल सकता। कोई अगर बोलता था आना है तो 100% हम आने की कोशिश करते हैं, उसको हम ना नहीं बोलते। उनमें से कोई एक जगह है तो आसाम, और आसाम में कोई जगह अगर बार बार हमको जाना चाहे, जाने के लिए कोई बोलेगा तो उसमें से एक जगह है वो। तो वैसे ही एक प्लेटफॉर्म है तिनसुकिया, सुबह आने से एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिल गया। दूसरा चीज, हमारे यहाँ पे कुछ लोग अचीवमेंट किए आज, स्पेशल कुछ अचीवमेंट किए आज का दिन, कुछ खास है तो डेफिनेटली मैं खास के बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगा, वो बताएंगे। तो वो अचीवमेंट हुआ है, जबरदस्त अचीवमेंट हुआ है। वो अचीवमेंट का जब हमने रूबरू किए, टेस्ट किया, तो डेफिनेटली एक अलग सा मोटिवेशन खून खून में दौड़ रहा है, अलग सा इंस्पिरेशन खून खून में दौड़ रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया फीलिंग हो रहा है। और ये सारी चीज़ देखने के बाद मेरे को अपना वो पल याद आ रहा था, छोटे छोटे पल याद आ रहा था, जो छोटे छोटे एक्सपीरियंस में जो मज़ा लगता था। इस बिजनेस को मैंने शुरुआत किया था 2003 में, यानी आज से तकरीबन 15 साल पहले शायद यहाँ पे 20 साल के कई सारे लोग बैठे। कौन कौन है जिनको उम्र 20 साल है, थोड़ा हाथ उठा लीजिए। कौन कौन है जिनको उम्र 20 साल के, थोड़ा हाथ उठाइए ना। 18 साल उम्र वाले कौन कौन है, 18 साल, देखिए 18 साल बहुत ज़्यादा है। 17 साल वाले कोई है क्या, है 17 साल वाले, देखो एक दो हाथ उठा, ठीक है हमारे सामने हाथ उठाया ठीक है, लेकिन कंपनी के सामने माथा टूटाना भाई, 18 साल के नीचे अलाउ नहीं है, राइट। तो 17 साल 18 साल वाले भी इधर पे है, 19 साल वाले कोई है, 19 साल पर हाथ भाई, 19 साल, चलिए 20 22 वाले कितने हैं, 22 वाले, 22 वाले, यानी मैक्सिमम अगर देख रहे तो 19 साल वाले लोग यहाँ पे मौजूद है, 18 से 19 साल। अगर आप अपने जिंदगी से 15 साल माइनस कर दोगे तो आपको उम्र कितना बच जाता है, 19 साल वाले का ऊपर बच जाता है 4 साल, ये सर नो। और 18 साल के हाथ में कितना रहता है, 3 साल। तो जब आपको उम्र 3 साल का था तब से हम स्मार्ट होने कर रहे हैं, तब से इस प्लेटफॉर्म में। आप सोच के देखो, आपको उम्र 3 साल, यानी तब तक आप अपने मम्मी पापा से बोलना सीखा, मम्मी मम्मी पापा पापा बोल सकते, ये सर नो। ABCD भी नहीं सीखे, जो लोग क्लास 4 में थे शायद नर्सरी में भर्ती हो चुके थे, और नर्सरी में वो क्लासेस करता था, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग, सी फॉर कैट करता था, ये सर नो। जिस समय में आप ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैग सीखते थे, उसी समय में हम ए फॉर एडमिशन, बी फॉर बिलीव, सी फॉर कॉन्फिडेंस, डी फॉर डिस्क्रिप्शन, ये सब सिखाते थे, सीखते नहीं थे, सिखाते थे। उस समय की बात है, आज से 15 साल पहले की बात है, सोचिए क्या रहा होगा उस सिचुएशन का, उस मतलब उस समय क्या रहा होगा, जहाँ पे ना कोई ब्रांच ऑफिस है, ना कोई सेटअप है, ना कोई सेंटर है, कुछ भी नहीं है, नथिंग। आसाम में खाली हाथ बिजनेस करने के लिए आ गए, और वो भी आसाम में कितना बढ़िया वेलकम किया गया, पता है मेरा पहला दिन आसाम में कैसा बीता था, ये मतलब अगर आसाम का मैं डायरी लिखने के लिए जाऊँ तो महाभारत हो जाएगा, इतना महाभारत भी छोटा पड़ जाएगा अगर मैं सारे कहानी आपके साथ शेयर करूँ। 1.5 घंटा बहुत कम हो जाता है, 4-5 घंटा नहीं, 4-5 दिन लगेगा सारी चीज़ को शेयर करने में। एक एक पल बहुत कीमती पल है आसाम में जो मैंने बिताया, द गोल्डन टाइम ऑफ माई लाइफ, मेरे जिंदगी का स्वर्ण युग है जो मैं यहाँ पे बिताया आसाम में। पहला दिन आसाम में मेरे को वेलकम किया किस ढंग से मैं आपको बताता हूँ। 2005 जून महीना,
जेब में पैसा नहीं है, गुवाहाटी आना है, टिकट कटा कंचनजंगा, कंचनजंगा का टिकट कटा सुबह 5:30 बजे, सब टाइमिंग था अलग, अभी का टाइमिंग कुछ अलग हो चुका है। पहले वो कंचनजंगा सुबह 5:30 बजे पहुंचता था, 4:30 बजे नींद टूट गया, क्यों 5:30 बजे मुझे उठना है, गुवाहाटी पहुंचना है, और 7 बजे का मेरा बस था वहाँ से सिलचर जाने का, 7:30 बजे सब कुछ प्लान था। 4:30 बजे नींद टूटा तो सोचा कि 5:30 बजे ट्रेन तो पहुँचेगा गुवाहाटी, अभी तक 1 घंटा बाकी है, थोड़ा और भी सो जाता हूँ, सो गया। लेकिन जब आँख खुला तब देखा 8 बजे है और पूरे ट्रेन में कोई नहीं है, पूरे ट्रेन खाली है, पूरे ट्रेन खाली, कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ। और मैंने देखा आसपास कोई स्टेशन नहीं है, रेलवे के पटरी के ऊपर, खाली पटरी के ऊपर बीच में सिर्फ ट्रेन खड़ा है और उस ट्रेन में सिर्फ मैं अकेला हूँ। मैं जब अपने बैग की तरफ देखा तो देखा बैग मेरा बिखरा हुआ है, बैग को किसी ने काट दिया, किसी छुरी से काट दिया, कपड़ा इधर उधर बिखरे हुए पड़ा है। और मैं जब नींद टूटा तब क्या कैसे चक्कर आ रहा था, तो मेरे को पता चला, समझ में आया कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है मेरे साथ, किसी ने शायद उसी सुबह के टाइम में किसी ने मुंह में स्प्रे कर दिया था और मैं सेंसलेस हो गया था, मेरा होश चला गया था, और 5:30 बजे की जगह 8 बजे नींद टूटा और बैग पूरा इधर उधर बिखरे हुए। बदनसीब मैं नहीं था, बदनसीब वो था जो मेरे ऊपर स्प्रे किया था, क्योंकि उसको मुझ जैसे इंसान मिला जिनके जेब में कुछ पैसा ही नहीं था। बदनसीब बहुत अगर स्प्रे मारना हो तो इंसान देख के फिर मारो ना, ये सर ना। इसीलिए हम लोग भी जब प्रोस्पेक्ट चूज करते, प्रोस्पेक्ट सिलेक्शन करते ना, इसलिए हम लोग बोलते इनवाइट से पहले क्वालिफाई करो, लिस्ट बिल्डिंग किया लेकिन लिस्ट बिल्डिंग के बाद ही इनवाइट मत करो, क्या बोलते हैं, क्या करना पड़ता है, क्वालिफाई, प्रॉस्पेक्ट को क्वालिफाई कीजिए। तो जिन्होंने स्प्रे किया था वो लिस्ट बिल्डिंग तो किया था लेकिन क्वालिफाई नहीं किया था, गलत इंसान को सिलेक्ट कर लिया। रिजल्ट वो था मेरा वेलकम, और वो वेलकम पैदल, मतलब वो पीके का हालत देखा, पीका पीके मूवी, वो आमिर खान का हालत क्या था, रेडियो पकड़ के बैठा था। तो मेरा हालत उतना खराब नहीं था, मैं अपना बैग लेकर उसी रेलवे के पटरी में मैं पैदल चल कर फिर गुवाहाटी स्टेशन आया, कम से कम 500 मीटर पैदल चला उस रेलवे के पटरी से, फिर जाके गुवाहाटी स्टेशन प्लेटफॉर्म में आ उतरा। और उधर में आने के बाद जेब में तब इतना पैसा भी कुछ भी नहीं था, जितना जेब में था वो ले लिया, फिर उधर पे किसी रिश्तेदार को बोला कि मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है सिलचर जाने के लिए, पैसा भी नहीं। तो एक दुकान था वहाँ पे जो जूते की दुकान, एक रिश्तेदार का रिश्तेदार थे, मैंने उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने उस दोस्त को कॉल लगाया, अपने भाई को कॉल लगाया, जूते की दुकान का जो ओनर है उनके पास मैं जब गया पल्टन बाज़ार में, तब 500 रुपया था, 500 रुपया मेरे को दिया, उधार दिया, और उस 500 रुपया लेकर मैं सिलचर गया। ये था मेरा पहला दिन आसाम में मुझे वेलकम किया गया था, वो भी एक दिन है और ये भी एक दिन है। जब फर्क को महसूस कीजिए, वो भी एक दिन है और ये भी एक दिन है, जहाँ पे इसी स्टेज में मैं खड़ा हूँ और यहाँ पे हजारों एसोसिएट यहाँ पे बैठे हैं, एसोसिएट लोग अपने बरमाला पहना रहे हैं, अपना मोहब्बत प्यार जता रहे हैं मेरे साथ, ये भी एक वेलकम है, वो भी एक वेलकम है। फर्क सिर्फ 15 साल की है, आपका जिंदगी में भी कुछ समय का ही फर्क है। जस्ट उस पल को बिता लीजिए, जो भी हालात में गुजर रहे हो, जो भी हालात आज आपके साथ है, चाहे वो बुरा या भला, चाहे बहुत बुरा क्यों ना हो, जस्ट कुछ पल की देरी है, उस पल को बस खत्म कीजिए, आपके साथ भी वही होने वाला है जो मेरे साथ था, वो चेंजेस आपके साथ भी होने वाला है। लेकिन इसके लिए चाहिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म, इसके लिए चाहिए एक सही रास्ता, ये सर नो, ये सर नो, इसके लिए सही प्लेटफॉर्म चाहिए। एक दिन वेलकम किया गया था मुंह में स्प्रे देकर, जेब में पैसा नहीं था, और आज के डेट में जब हम गुवाहाटी आते हैं तो 3-4 कार खड़े हो जाते हैं, मंत्री को उतना बढ़िया तरीके से वेलकम किया नहीं जाता जिस तरीके से हम लोगों को वेलकम किया जाता है, लोग घबरा जाते हैं, भाई आया कौन, जिनका नाम कभी पेपर में नहीं देखा, टीवी में नहीं देखा, जिनको कभी कोई न्यूज चैनल में नहीं देखा, राइट, जिनके बारे में कोई चर्चा नहीं है, लेकिन उनको लेकर इतना हाई, उनको लेकर इतने कुछ, वो लोग क्या जाने कि हम लोगों को किसी मीडिया की जरूरत नहीं पड़ता है, कोई न्यूज चैनल या पेपर वालों की जरूरत नहीं पड़ता है। हम लोग इंसानों के बीच काम करते हैं, हम लोग डायलॉग से काम नहीं करते कि यहाँ पे आने के बाद आप मेरे को वोट दो, आपको अगले 5 साल में सारे रोजगार दिला देंगे, हम लोग ये सब बोलते नहीं है, वोट देने की जरूरत नहीं पड़ता, यहाँ पे हम लोग करके दिखाते हैं, ये सर नो, हजारों एक्टिवर क्रिएट करके दिखाते हैं हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे हम लोग मार्केट में पहले काम करते, रिजल्ट लेके आते हैं, फिर मार्केट में बताते हैं देखो हमने ये किया, ये सर नो, यहाँ पे कोई दिखावा नहीं है, यहाँ पे पहले काम करवाया जाता है, रिजल्ट हासिल है, हाथों के सामने दिया जाता है, ये काम हम लोग करते हैं, ये सर नो, ये सर नो, तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा। तो मैं जो बोल रहा था कि शुरुआत वहां से शुरुआत हुआ था, फिर बिजनेस को हम लोग आगे बढ़ाए, कुछ भी नहीं था, सेंटर नहीं है, ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आज आपको आंखों के सामने यहाँ पे शॉपी है, कुछ भी प्रोडक्ट की जरूरत है सीनियर लीडर मिल जाता है, मिलता नहीं मिलता, तीसरे में ब्रांच ऑफिस है,
300 में कुछ गड़बड़ है तो आप गुवाहाटी में जा सकते हो, यस और नो, आपके लिए सारे सुविधाएं हैं। उस समय की बात बता रहा हूं जहां पे कुछ भी नहीं था, होपलेस होगा कि नहीं टीचर्स वो भी बता दी। आपको बताए जब हमारा पहला सेंटर बना था इंटर आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में पहला सेंटर बना था और वो भी बना था लीडो में, लीडो में बना था। उस समय में हमने हमारा एक एसोसिएट थे उनको, उन्होंने बोला था दादा मेरा 4-5 एसोसिएट है जिनका बिजनेस हम करना है, लीडो में उन्होंने शुरुआत की। लेकिन दादा कोई कंप्यूटर सेंटर खोलने के लिए तैयार नहीं है, जिस गांव में मैं रेडी हूँ, जिस गांव में मैं हूँ घर में कंप्यूटर ही नहीं आस पास, कैसे सिखाएंगे। आज तो प्रोडक्ट का बिजनेस चल रहा है लेकिन उस जमाने में प्रोडक्ट कुछ भी नहीं था। क्योंकि मैं बात बता रहा हूँ 2005 साल की, यानी आज से तकरीबन 13 साल का बाद, 13 साल पहले की बात। नोने का लॉन्च हुआ था 2006 में और मैं 2005 की बात बता रहा हूँ। तो कंप्यूटर का कोई सेंटर नहीं है क्योंकि मार्केट में तब कंप्यूटर सब्जेक्ट ही एक नया सब्जेक्ट था, लोग कंप्यूटर के बारे में जानते ही नहीं थे, तब लोग टाइप सीखते थे, टाइप राइटिंग। उस जमाने की बात बता रहा हूँ, उस जमाने शायद 300 में भी कोई कंप्यूटर सेंटर हुआ नहीं करता था, मैं 2005 की बात बता रहा हूँ। तो 300 में अगर अच्छा कंप्यूटर सेंटर नहीं है तो लीडो में कैसे होगा। हम लोग कलकत्ता से सेकेंड हैंड कंप्यूटर भेजे थे किराए में ताकि वहाँ पे एक सेंटर खोल के बिजनेस करें, ये था सिचुएशन। कलकत्ता से कुरियर करके सेकेंड हैंड कंप्यूटर भेजा गया, फिर जाकर वहाँ पे कंप्यूटर सेंटर खोल के हम लोग बिजनेस की शुरुआत की। ये था ओनरशिप मॉडल में काम करने का जगह। और आज के डेट में पूरे आसाम में नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में अगर कैलकुलेट करोगे तो एपीएलएल का कम से कम सेंटर बन चुका है, कम से कम 100+ सेंटर बन चुका है। यह है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। आज जीरो से कहां से पहुंच गया। एक जमाना था जहां पे हम लोग कंप्यूटर भेजकर सेंटर ओपन किए थे और आज ये भी एक जमाना है जहां पे 100 से भी अधिक क्या कंप्यूटर सेंटर बन चुका है। एक जमाना था जहां पे हम लोग ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं करवा पाते थे आसाम से। आप बोलेंगे कैसे, क्यों नहीं करवा सकते, क्योंकि उस समय में इंटरनेट कनेक्शन बहुत पुअर हुआ करता, इंटरनेट भी ठीक तरह से काम नहीं करता। आज के डेट में आपके पास 3G है 4G है, ये सब नो और जैसे आप 2G में ट्रांसफर हो जाते हो 2G में काम चलता ही नहीं। आप बोले क्या बेकार का सेट है, 2G सेट है भाई, 4G सेट इस्तेमाल कर। अरे उस समय में कोई जी नहीं था, हाँ जी कोई जी नहीं था, उस समय की बात बता रहा हूँ मैं। इंटरनेट ओपन ही नहीं होता था, गूगल का सिंपल फ्रंट पेज, गूगल का फ्रंट पेज ओपन होने में 10 मिनट लगता था, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन करवाने में, एक रजिस्ट्रेशन करवाने में मिनिमम आधा घंटा 45 मिनट 1 आवर का वक्त लगता था उस जमाने की बात बता रहा हूँ। और वो भी तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर दूर जाकर किसी सैटेलाइट के नीचे या तो किसी टावर के नीचे बैठ के करना पड़ता था, लैपटॉप तो दूर की बात कॉन्सेप्ट नहीं था, मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ। तब हम लोग मजबूरन स्ट्रक्चर बना के कलकत्ता भेजते थे और लोग वहाँ पे स्ट्रक्चर बनाकर वहाँ पे ऑनलाइन ज्वाइनिंग करते थे, हम टेलीफोन में बताते थे किस तरीके से ज्वाइनिंग करो, इसके बाद ये करो, इसके बाद ये करो। सारे पैसा कलकत्ता में जमा होता था बिकॉज कोई उपाय नहीं था, कोई ब्रांच नहीं था। दैट वाज द सिचुएशन, मैं वो पुराने दिनों का बात बता रहा हूँ जहाँ पे ये बिजनेस की शुरुआत किया गया था। और आज के डेट में हजारों ऑप्शन आ चुका है, आप पेटीएम करते हो अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है, होता नहीं होता है ये सर नो। आज के डेट में आपके जेब में नहीं, आपके जेब में पेटीएम है, पेटीएम बोले तो एटीएम है। उस जमाने में मार्केट में एटीएम भी नहीं था, फिजिकल एटीएम, लोग जानते भी नहीं थे एटीएम का मतलब क्या है, जानते भी नहीं थे। मैं उस जमाने की बात बता रहा हूँ, यहाँ से शुरुआत हुआ था। ये हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग काम करते करते आगे की तरफ देखते देखते अपना इतिहास भूल जाते हैं, अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं, वो हिस्ट्री याद दिलाना बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत में सबसे बड़ा दिक्कत क्या पता है, भारत का सबसे बड़ा दिक्कत आज की डेट में भारत का लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, बिकॉज हम अपने हिस्ट्री को या तो इतिहास भूल चुके, हिस्ट्री को हम दोहराना नहीं चाहते या तो हिस्ट्री को जानना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा चैलेंज। इसलिए वो प्राउड महसूस करना, मैं इंडियन हूँ, यू शुड फील प्राउड के आप एक इंडियन हो, आप भारतीय हो, ये प्राउडनेस क्यों नहीं आता है। ये सिर्फ बोलने से नहीं, क्या है मैंने आई एम ए प्राउड इंडियन, ये सिर्फ मुंह से बोलने की, जुबान से बोलने का कोई शब्द नहीं है, सेंटेंस नहीं है। यू हैव टू फील इट, अंदर से को फील करना है। कैसे फील करोगे, जब आप इस भारत का हिस्ट्री पढ़ोगे, देखोगे इसी भारत में कितना सफल इंसान पूरे दुनिया को दिशा दिख रहा है, भारत के उन महान लोगों की कहानी जब पढ़ोगे, इसी धरती में पैदा हुआ इंसान कैसे पूरा दुनिया को डिरेक्शन दिया था, पूरे दुनिया को राह दिखाया था, जब इनके कहानी के बारे में पढ़ोगे तब यहाँ के लोग, यहाँ के कल्चर, इसको लेकर आपके अंदर से एक प्राउड महसूस होगा। ये सर नो, उस दिन जब आपकी जुबान से निकलेगा कि यस आई एम ए प्राउड इंडियन, ये बात तब अंदर से निकलेगा। तब तक उससे पहले जो भी हम बोलते हैं आई एम ए प्राउड इंडियन, वो ढोंगी है, वो नॉट ए क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो बात जुबान से आ रहा है अंदर से। ठीक वैसे
भारत की इतिहास, भारत की कल्चर, ये जैसे जिसका जरूरी है इस देश के ऊपर प्राउड फील करने के लिए, ठीक वैसे स्मार्ट वैल्यू के ऊपर, इस लीडरशिप के ऊपर, ओवरऑल सिस्टम के ऊपर प्राउड फील करने के लिए आपको जानना जरूरी है कि इस प्लेटफॉर्म का हिस्ट्री कैसे है, कैसे हुआ था इस बिजनेस की शुरुआत, इसका इतिहास जानना जरूरी है। आपको उन सारे सीनियर लीडर के बारे में जानना पड़ेगा जो लीडर ने अपना डेडिकेशन डिवोशन दिखाकर इस बिजनेस को जीरो से हीरो जगह में लेकर आया। और सिर्फ हम अपने बात नहीं बोल रहे, उस समय में चलो हम तो बिजनेस करने के लिए आ गए यहाँ पे, हम अगर चाहते तो दो चार लोगों का पैसा लेकर फिर वापस कलकत्ता चला जा सकते, इसका डर था सबसे, ये सर ना कई सारे लोग आते थे बाहर से, चाहे वो कलकत्ता हो, चाहे वो बिहार हो, या यूपी हो, या दिल्ली हो, चेन्नई हो, मद्रास हो, लोग आ जाते हैं, चलो 10-20 लोगों का पैसा लेकर घर में वापस चला गया, आप क्या कर सकते, कुछ कर पाओगे, कहाँ पे ढूंढोगे आप, अब तीन सीटों में रहकर आप कलकत्ता नहीं जाओगे 10,000 रुपये के लिए, जाओगे क्या? हम लोग तो चले आए थे चलो काम करने के लिए, हमारे लिए तो तकलीफ था ही, लेकिन सोचिए उन लोगों के लिए भी कितना तकलीफदायक था जो लोग अनकंडीशनली हम लोगों के ऊपर बिलीव किया, अनजान लोगों के बिलीव किया, अभिजीत चंदा बिलीव किया, विद्युत पाल बिलीव किया, सुत्य शेखर बिलीव किया, अनकंडीशनली, कोई शर्त नहीं था, वो बहाना दे सकते थे, आप लोग बाहर से हो आपके हाथ में मैं पैसा क्यों दूं, बहाना दे सकते थे क्या नहीं, ये सर लो अभिजीत चंदा बोल सकते थे कि मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ, मेरे को सेल्स में नौकरी मिला है, मैं क्यों नौकरी छोड़ू आपके कहने पर, क्यों, आप कौन है, हू आर यू, आपको कैसे बिलीव करूं, आप हो सकते हैं बीटेक इंजीनियर लेकिन आपका सर्टिफिकेट भी तो नहीं देखा, सच में आप बीटेक इंजीनियर होगी, कैसे आपको बिलीव करूं, बोल सकते थे कि नहीं, यस और नो, लेकिन इन लोगों ने ये सवाल नहीं पूछा, ये लोग 100% बिलीव किया उस अज्ञान लोगों के प्रति, और आज जाकर उनके डिवोशन डेडिकेशन उनके बिलीव की वजह से आज इंटर इंडिया में, इंटर नॉर्थ ईस्ट में, इंटर आसाम में इतना बढ़िया एक बिजनेस डेवलप हो सके, बिग हैंड फॉर दोस लीडर, उन सारे लीडर के लिए बहुत बहुत तारीफ होना चाहिए जो लोग आज कंडीशन हम लोगों को भूल, ये था सिचुएशन, ये था सिचुएशन, ये था हिस्ट्री। 2005 में बिजनेस शुरू होने के बाद 2006 में जाकर 7 में जाकर कंपनी का पहला ब्रांच ऑफिस ओपन हुआ, एक साल के बाद जाकर, एक साल हम लोग विदाउट ब्रांच ऑफिस काम किए, एक साल के बाद जब हमने सेल दिया फिर जाके कंपनी ने ब्रांच ऑफिस, समझ मारा नहीं यार, बिजनेस हम लोग करते हैं, कंपनी उसके पीछे रहते उसको सपोर्ट करने के लिए 1.5 ईयर्स लग गया था, लेकिन ब्रांच ऑफिस खोल दीजिए, आज गुवाहाटी में इंडियन नॉर्थ ईस्ट में बिजनेस हो रहा है, अगरतला में सेटअप है, अगरतला में किस तरीके से बिजनेस होता था हमको पता है, किस तरीके से त्रिपुरा में बिजनेस होता, तो ये एक हिस्ट्री है, अगर बोलने के लिए जाओ तो ये पल खत्म नहीं होगा, एक एक हिस्ट्री अगर बताने के लिए जाओ कि कैसे अगरतला में त्रिपुरा में बिजनेस हुआ, कैसे बाइक चलाकर पहाड़ी के उस रस्ते में हम लोग 12 घंटा जर्नी करके डीडी साबित करने के लिए गए, पूरे जगह में स्ट्राइक चल रहा था, पूरे स्ट्राइक चल रहा था, लेकिन फिर भी जी मतलब जान जोखिम में डालकर हम लोग बाइक लेके गए, पूरे पहाड़ी रस्ते में गए, जहाँ पे बस में जाने के लिए कम से कम 6-7 घंटा लगता है, स्पॉट लेके जाना पड़ता है, चारों तरफ मिलिट्री आर्मी रहता है, वो स्पॉट सर्विस से फिर जाकर वो बस एक जगह से दूसरे जगह देते, तो तब फिर भी इसका दिक्कत था वहाँ पे, एक दिन वो स्ट्राइक हो गया, स्पॉट सर्विस बंद हो गया, लेकिन डीडी सबमिट करने के लिए जाना ही पड़ेगा, 31 मार्च क्लोजिंग का टाइम था, उस हालात में जाकर हम लोग बाइक चलाकर 12 घंटा जर्नी करके बाइक में हमारे यहाँ दिल्ली जगह सबमिट किया, तो ये एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है जो यहाँ के लोकल लीडरों ने किए, सीनियर लीडर ने किए, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, कोई भी चीज़ इतना आसानी से नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ सफलता उतना आसानी से नहीं मिलता है, उसके लिए आपको वक्त देना पड़ता है, उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, अरे भाई जिंदगी में गरीबी की जिंदगी जी रहे हो उसके लिए भी तो मेहनत चाहिए, ये सर नो, मेहनत नहीं कर रहे हो, गरीबी की जिंदगी जीने के लिए भी तो मेहनत करना पड़ेगा, यस और नो, यहाँ पे चाय के बगीचे में काम करने वाले लोग कितने हैं, या तो जिनके परिवार में चाय के बगीचे में लोग काम करते हैं, कितने लोग हैं, हाथ बताइए, देखिए कितने सारे लोग हैं, हाथ नीचे करें, सोच के देखिए एक बार अपने घर के हालात के बारे में, महीने में कितना रुपये का सैलरी मिलता होगा, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 2-3 हज़ार 4 हज़ार मिलता होगा, शायद उससे भी नहीं, उतना भी नहीं, और क्या मिलता होगा, एक क्वार्टर मिलता होगा रहने के लिए, यस और नो, सिर्फ रहने लगे एक क्वार्टर मिला या तो 2-3 हज़ार का सैलरी, आज के डेट में मैं जब सुन रहा था कि 1200 रुपया सैलरी मिलता है और बदले में क्वार्टर मिलता है, ये जिंदगी वो झेल रहा है कितना दिनों से, पूरे पुख्तों से मतलब 30-40 सालों से वो जो झेल रहा है, 30-40 ईयर से वो झेल रहा है मजबूरन, क्योंकि रहने के लिए उनके पास जगह नहीं है, जमीन नहीं है, कहाँ पे रहेगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का जो मिनिमम रेट होना चाहिए गवर्नमेंट का जो रेट है वो भी उनको दिया नहीं जाता है, फिर भी वो मुंह बंद करके सह के 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, वो 40-40 साल वो सहके हुए, वो मुंह से एक जुबान से एक बात ना निकल के वही काम को वो करते रहते, क्या आपको लगता नहीं कि इसको करने के लिए भी हिम्मत थी, यस और नो,
क्या वो दुख या दर्द झेल नहीं रहा है? ये सुनो, झेल रहा है नहीं झेल रहा है? 100% झेल रहा है। एक मिडिल क्लास इंसान जो 6000 या 7000 या 8000 रुपए का नौकरी कर रहा है, क्या उनके साथ तकलीफें नहीं है? तकलीफें नहीं है? 2000% तकलीफें है। घर में जाके देखिए, झांकी उसकी जिंदगी में, उसको झांकी उसके लाइफ में, सिर्फ फेसबुक का फोटो देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फेसबुक का फोटो में हर एक को अच्छा लगता है, ऊपर से फिटफाट, नीचे से धोबी गाने, हमें पता है। ये सब नो दो चार सेल्फी उठाने से ही अगर चेहरा अच्छा हो जाता तो सब लोग सेल्फी उठाते, तो ऐसा नहीं होता है। असलियत के बारे में जानना जरूरी है। असलियत क्या है? असलियत में जानना जरूरी है कि असल में मैं क्या हूँ, असल में मेरा पहचान क्या है, मेरा वजूद क्या है, वो जानना जरूरी है और उसको डेवलप करना जरूरी है। थोड़ा फेसबुक में या तो मोबाइल से कुछ फोटो को एडिट करके मैं गोरा से काला, काला से गोरा तो बन सकता हूँ, लेकिन मैं अपने असलियत को छुपा पाऊंगा क्या? मेरा सोर्स ऑफ इनकम को बदलेगा कभी? दोस्तों से उधार लेकर एक जैकेट पहनकर फोटो खिंचा सकता हूँ, लेकिन सच में क्या मेरा लाइफ स्टाइल बदलेगा? बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। इम्पॉसिबल, नहीं बदलेगा। मैं किसी सुंदर जगह में जाकर फोटो तो खिंचवा लिया कुछ पलों के लिए, बट ये भी कुछ पलों के लिए टेम्पोररी, लेकिन मैं अपना सुख, मैं अपना दर्द को उसको क्या परमानेंटली बंद कर पा रहा हूं? नहीं कर पा रहा। ये समझना जरूरी है। जो जिंदगी हम जी रहे हैं, चाहे वो गरीब की जिंदगी हो या मिडिल क्लास की जिंदगी, एक मिडिल क्लास को अच्छी तरीके से पता है घर में अगर बीमारी आ जाता है 3 से 4 लाख रुपया का, तो वो सबमिट कर देगा, वो डॉक्टर को बोल देगा ठीक है मरने दीजिए पेशेंट को, क्या करें मेरे पास जेब में पैसा नहीं है, खाने के बंदे हैं, 10,000 रुपया महीने में पैसा नहीं, सैलरी नहीं मिलता। ऊपर से अगर कोई पर्सनल लोन ले चुका है शादी के लिए, तो 10,000 रुपया अगर उसका सैलरी है तो 5,000 रुपया कट जाता है लोन के लिए, 5,000 रुपये में फैमिली चलाना पड़ता है, ऊपर से बच्चे लोगों के एजुकेशन है, हर महीने में कुछ ना कुछ उधारी करना पड़ता है। एक बार जाके देखिए, वो मिडिल क्लास इंसान भी फंस चुका है लाइफ में, अब उनके पास कोई उपाय नहीं। सुबह नींद से उठता है दर्द लेकर, शाम को जब घर पहुंचता है वो भी दर्द लेकर, और ये दर्द भरा जिंदगी वो रेगुलर जी रहे हैं, और एक दो दिन नहीं 10 साल 20 साल से झेल रहा है, कोई उपाय नहीं। यानी मिडिल क्लास का लाइफ अगर वो जी भी रहा है, वो भी बहुत कठिनाई का सामना करके जी रहा है, वो दर्द झेल रहा है। कौन कहता है दर्द नहीं झेल रहा है? ये आप बोलेंगे सर सरकारी नौकरी जो लोग कर रहे हैं वो लोग तो बहुत आराम से है। किसने कहा वो लोग बहुत आराम से है? एक बार झांक के देखिए, दूर से देखने से बहुत कुछ अच्छा लगता है। मेरे घर में मेरे दादाजी वो सरकारी नौकर थे, वो डिफेंस में नौकरी करते थे, मेरे पिताजी सरकारी नौकर थे, वो भी डिफेंस में नौकरी किया, 40-40 साल नौकरी किया। हमको पता है घर की हालत के बारे में कि उसी घर में मैं भी रहने वाला था। मैंने भी अपने आंखों से देखा कि एक परिवार में दो दो सरकारी नौकर करने वाला, नौकरी करने वाले लोगों की जिंदगी क्या होता है। मेरे घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी बदलने के लिए 20 साल लग गए। तो जिस परिवार में दो दो नौकरी होते हैं भी, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी से कलर टीवी बदलने के लिए 20 साल लग गया, तो सोच के देखिए सरकारी नौकर का हालत क्या होता है आज के लिए। एक सरकारी नौकरी, वो लोग साल में, जो लोग नौकरी करता है साल में 2 साल में घूमने के लिए जाएगा, घूमने के लिए जाएगा, मुश्किल से 4-5 दिन मैनेज करने उसके लिए टफ बन जाता है। अगर मैनेज भी कर लेता है तो वो कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, झेल लेता है, 500 रुपया का होटल में रुकना पड़ता है उसको।